जोश का नाम आ जाता है जब, तो अद्भुत सा फील होता है। आप ये फोटो देख लीजिए, ये जितने लोग हैं जोश टॉक पे आए हुए, आज मेरा भी इंटरव्यू हुआ और हम लोग जोश टॉक्स के अंदर, मतलब ऑफिस के अंदर है, आप इधर से देख सकते हैं। ये लोग हैं, ये सब सारी ऑफिस की जो भी हैं, जैसे लोग हैं, इधर ऑफिस है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और स्टूडियो भी आपका दिखाने का प्रयास करेंगे हम। आप देख रहे हैं जिस तरह से है, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, कुछ लोग हैं, सबकी कहानियाँ, सबकी स्टोरी रखी जाती है, तो यहाँ पे फोटो भी लगाया जाता है। और इतने सारे अवार्ड हैं जो मिला हुआ है, आप देख सकते हैं, जो टाल के जो कई है, इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे झड़ियाँ लगी हों इस तरह से है। ये ऑफिस है, ऑफिस के इधर अगर आप देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ लोग भी हैं, हम लाइव इसमें होता है, लाइव आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, लाइव होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है, और जब होता है तो या कैसे जाता है। क्योंकि क्या होता है कि यही है वो जो आप लोग देखा करते थे, आज मेरा इससे इंटरव्यू हुआ है और बहुत अच्छा लगा। मेरा सपना था कि जोश एक्सप्रेस कब जाएगा जोश टॉक पे, आप लोग का भी सपना था कि जितेंद्र भैया कब आप जाएंगे, लेकिन मैं आ गया और जो टॉक से पहुंचा, बड़ा आनंद महसूस हुआ। और मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद कुछ अलग एहसास होगा लोगों से मेरे साथ इस तरह से। आप देख रहे हैं चारों तरफ कैमरा लगा हुआ, इस तरह से यहाँ से शूट होता है, और शूट होने के बाद यहाँ से लाइव दिखाया जाता है, और सबकी हिस्ट्री लोग यहीं से शेयर करते हैं। आप इसे आपने देख लिया, इस पे लोग खड़े होते हैं और खड़े होकर ऐसे शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आज मैं अब बताता हूँ आपकी कहानी, अपनी कहानी मैं सुनाता हूँ, और लोग यहीं से चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोलते हैं कि आज मेरी कहानी क्या है, मैं कहाँ से निकल के आया हूँ, कैसे निकल के आया, ऐसे ही लोग बताते हैं। लेकिन ये तो मेरा सपना था भैया जोश टॉक पे जाना। और कई लोगों ने कहा कि जितेंद्र भैया आप जोश टॉक पे कब जाएंगे, मैं जोश टॉक पे आ गया हूँ, बहुत जल्द आपको जोश टॉक पे दिखेगा, जोश टॉक हिंदी पे, जोश टॉक मराठी पे, कई चैनल पे मेरा, मतलब इन लोग का जो भी चैनल है अपना ये लोग शेयर करेंगे। कब करेंगे शेयर, ये मैं इन लोग से ही बात करता हूँ, बुलाता हूँ कि कब मेरा आप लोग वीडियो शेयर करेंगे, और जिनके अंदर प्रतिभा है वो लोग कैसे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत मशक्कत से यहाँ पे आया हूँ, तो आप लोग को शायद मशक्कत ना। हाँ, जिसके अंदर प्रतिभा, एक बार हमको ही कॉल करिए, मैं लाऊंगा आपको जोश एक्सप्रेस लेके पहुंचेगा जोश टॉक पे। कैसे पहुंचेगा आप मुझे संपर्क करिए, मैं पहुंचाऊंगा आपको, आपसे वादा है। वैसे आपको मैं बताया ना कि आपको अगर आना है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो आप निश्चित आ सकते हैं। लोग कहते हैं मैं कभी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं देखा, लेकिन आज देख लीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे बीच में है, जो यही लोग हैं जो इस मेरे सपनों, लोग कहते हैं कि सपना जिस दिन पूरा हो जाता है ना, आदमी फूले नहीं समाता है, आज इन लोग का देन है। मैं मेल पे मेल करता था, कुछ नहीं होता था। आप लोग कहते थे ना कि जितेंद्र भैया जाएंगे कब, जोश एक्सप्रेस वाला कब जाएगा जो टॉक पे, आज मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन त्रिमूर्ति का मैं नमन करूंगा, ऐसे लोग को प्रणाम करना चाहूंगा कि हमारे जैसे लोगों को इस चैनल पे ला के एक अद्भुत सा, सबका पहले तो प्रणाम है। क्या नाम शुक्रिया, मैं पकड़ लूं या आप पकड़ लेंगे, जैसा भी आप चाहें। तो जैसे कि हमने बताया जितेंद्र भाई की जब स्टोरी, आप लोग बहुत जल्दी बहुत ही अलग अलग चैनल्स पे देखने वाले हैं, बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है जब हम एक साथ अलग अलग चैनलों के लिए कहानी देते हैं। तो जितेंद्र भाई आज हमें मिले, और जिस तरह के इंसान है उनके बारे में तो क्या कहना, बहुत जिंदा दिल इंसान है, बस ऐसा ही जज्बा जोश होना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था सर, मैं कई बार आया, मेल किया, नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग एक बायक क्यों, ऐसे दिल में क्यों आ गया कि जितेंद्र को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, जब हमने आपकी कहानी देखी और जब, मतलब कल ही अपन लोगों ने देखना शुरू किया, हमने कहा कि इनको अब तक तो क्यों नहीं बुलाया, इनको तो बुलाना बनता है। वो शायद हमारी तरफ से भी कई बार भूल चूक हो जाती है, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं सभी लोगों से। बट हाँ, जैसे भी हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग, कुछ लोग चाहते हैं सर, देखिए जोश टॉक एक ब्रांड है सर, और इस पे आके बड़ा गर्व महसूस लोग करते हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन हताश हो जाते हैं कैसे जाऊंगा। आज तो मैं मिली आप लोगों से तो लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन मैं भी परेशान था। लेकिन जो बेताब है सर आने के लिए, अपनी कहानियां रखना चाहते हैं, वो लोग कैसे आ पाएंगे, उसके लिए आप है ना, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मतलब हमारी एक वेबसाइट है जोश टॉक्स की, उसमें एक वेबसाइट ईमेल एड्रेस है social@joshtalks.com, आप उसमें मेल कर सकते हैं, हो सकता है डायरेक्टली आप मुझे मेल कर सकते हैं सुमित@joshtalks.com। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सुमित
@joshtalks.com इस पे आप सीधा मेल कर सकते हैं और हम हर कहानी का रिप्लाई करते हैं जो भी हम तक पहुंचती है। तो आप देख रहे हैं भैया भी हैं, क्या नाम हुआ आपका? आप तो जब से मैं आया हूँ जमी, लोग कहते हैं ना कि जैसे ही मैंने पांव जमाया वैसे ही पहुंच गए हनुमान के, आओ उठा के लेके चलता हूँ। तो अच्छा, मैं हनुमान को तो नहीं देखा लेकिन आप मेरे लिए अच्छा, हनुमान ही बन के आए। अरे कैसे हैं? मेरा नाम सुहेल है और कल आपकी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी। अच्छा। तो सुमित से हम लोगों ने शेयर किया तो सुमित ने एकदम से, मतलब वो पढ़ा मैंने और मैंने कहा यार सुमित बहुत अच्छी है, सुमित ऑलरेडी पढ़ चुके थे, सुमित के बस आप जो है फटाक से फोन लगाइए और बुलाते हैं। अच्छा मैंने पहले, मतलब मैं बात करते रहते हैं स्पीकर से, जो भी आते हैं हम लोग बात करते हैं, लेकिन मतलब वो एनर्जी जो होती है ना, जब मैंने आपसे बात करी तो वो मैंने शेयर किया था सुमित से, यार गजब की एनर्जी है, मतलब बात करते हुए भी समझ में आ रहा है कि जब वो बंदा स्टेज पर आएगा तो वो क्या करेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब उसको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि आप ऐसे बोले ऐसे बोले, वो कहानी को पता है उसको, मतलब उसके पास शब्द है, उसके पास लाइंस है, उसके पास इमोशंस है। मतलब बहुत सी बार क्या होता है कि स्पीकर्स के अंदर कहानियां होती हैं, इमोशंस भी होते हैं, लेकिन बयान करने के लिए अल्फाज नहीं होते, ठीक है, तो उन अल्फाजों की कमी की वजह से चीज़ें ऐसी हो जाती है कि कहानी बहुत अच्छी कहानी भी मतलब वो एवरेज हो जाती है। लेकिन जब आपके पास अल्फाज हो, आपके पास बयान करने का तरीका हो, आपको पता हो कि यहाँ पर पोज लेना है, यहाँ से उठाना है, आवाज़ को अप एंड डाउन करना है, बोलते हुए हाथों का यूज़ करना है, इमोशन फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो कुल मिलाकर मतलब बताना पड़ता है, वो आपके अंदर मतलब आप इनबिल्ड है, मतलब आप पेशे से जर्नलिस्ट हैं। और क्योंकि बनारस से बिलोंग करते हैं, मैं कहता हूं कि बनारसियों को जो है ना आप समझा नहीं सकते, ना आप उनको बता सकते, उनसे समझ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो वही जितेंद्र जी के साथ हुआ है और जितेंद्र जी मतलब बेहतरीन, मतलब आप इनके संघर्ष को आप लोग सुनेंगे जोश टॉक के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स पे आएंगे जब इनका संघर्ष आएगा, तो आप जब सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि वाकई में ज़िंदगी कितनी प्यारी होती है और ज़िंदगी के लिए मतलब वो हर काम करना पड़ता है इंसान को कि जिसके लिए मतलब जीना ज़रूरी है, मतलब आप ज़िंदगी से भाग नहीं सकते, आपको लड़ना पड़ेगा हर संघर्ष से, और एक टाइम भी आएगा कि लोग सलाम करेंगे आपको, तो वही जितेंद्र जी की कहानी के अंदर आपको मिलने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, जबरदस्त। चलिए बड़ा अच्छा लगा ये लोग ने, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिला हूँ, दिल से लगा कि वाकई यार इस धरती पे इंसानियत है। लोग कहते हैं कि हैवान कलयुग में, सतयुग से लेके कलयुग, लेकिन ये डिजिटल युग, और ये डिजिटल युग में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं तो कभी सोचा नहीं था। सर इनको आपसे मिल सकते हैं, ये है हिंदी वाले और ये मेरा हिस्ट्री लिए हैं और अपने कैमरे में कैद कर लिया है, अब कैमरे से कब बाहर लाएंगे अब यही बताएंगे। खाना खाने में ऐसा ना हो कि मेरे साथ भूल गए। कई लोग पूछते हैं ना कि खाना कैसे खाते हो, तो हमको कह देते हैं कभी खिलाइए ना हमको। तो हम लोग साथ में भी खाना खाए। आप पहले तो स्वागत है सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, कुछ पल ही बीता, दिन तो नहीं कह सकता हूँ लेकिन कुछ पल, और वो पल यादगार रहेगा, मैं आजीवन यादों में घिरा रहूंगा कि वाह मैं जिसके साथ था, वाकई मजा। तीनों को दिखाया ना त्रिमूर्ति, मेरे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के आप लोग आए। मैं महेश हूं। मैं महेश हूं। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा जितेंद्र भाई की बारे में बताता हूँ, जो भी इनकी अभी वीडियो देख रहे हैं, तो इनकी ये जो कहानी है ना, ये इनकी नहीं है, ये इनके लिए है ही नहीं। इन्होंने जो भी बोला है अभी तक, जो भी इन्होंने संघर्ष किया है, जो भी कुछ किया है इन्होंने अपनी जिंदगी में, ये इनका है ही नहीं, अब ये आपका है। आप इसको देखकर अगर कुछ सीख गए हो तो इनकी अभी तक की उम्र सफल हो जाएगी। अगर इनकी पूरी वीडियो, मान लो कि हम जोश टॉक पर 20 से 30 मिनट की वीडियो रिलीज़ करने वाले हैं इनकी, और जैसे ही इनकी वीडियो ख़त्म होती है और उसके बाद अगर आप एक डिसीजन ले लेते हो, जो भी सुन रहा है इस चीज़ को, अगर आप डिसीजन ले लेते हो कि यार अगर जितेंद्र ने कर लिया है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो जोश टॉक का मकसद और इनकी ज़िंदगी दोनों सफल हो जाएगी। तो अगर आप ये डिसीजन लो तो ज़रूर बताना हमें, और इन्हें भी बताना, क्योंकि जोश टॉक का, और जोश टॉक का मतलब हम, इन्होंने जैसे बोला कि जोश टॉक एक ब्रांड है, जोश टॉक हाँ ब्रांड है, और लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जोश टॉक पर आते हैं और जोश टॉक पर आने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी चीज़ें। आज यहाँ पर मैं अगर बताऊँ आपको कि जोश टॉक पर, अगर जोश टॉक तभी बना है जब जितेंद्र भाई जैसे लोग आ पाते हैं। अगर जितेंद्र भाई जैसे लोग नहीं है या फिर आपके जैसे लोग नहीं है, जो कुछ संघर्ष करके लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते, तो जोश टॉक भी कुछ नहीं है। तो आपके पीछे जोश टॉक है और आप जोश टॉक के पीछे, तो बस यही है कि दोनों साथ चलते हैं। और जितेंद्र भाई जैसे लोग तो मतलब कमाल ही कर देते हैं। ये पहले ऐसे लोग होते हैं कि जो कैमरे के पीछे खड़े होकर, हमें ऐसा होता है कि हम कैमरे के पीछे खड़े होते हैं और हमें बोलने का अलाउड नहीं होता है, तो ये कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पीछे से हंसी छुटवा देते हैं
आंसू निकलवा देते हैं, ताली बजवाने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसी कहानियां आती है ना, वही जो स्टॉक के लिए हम लेकर चाहते हैं कि हम जो स्टॉक में लेकर आए, और अगर इनकी कहानी से आपको कुछ एक भी छोटा सा भी पॉइंट मिले तो जरूर अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाना। सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, कई लोग हालांकि मैं अकेलौता नहीं हूं और कि मैं अकेलौता आया हूं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपके चैनल पे आना चाहते हैं सर आप लोग, लेकिन लोग भटक जाते हैं यार कैसा होगा, इतना बड़ा कैसे जा, मैं खुद परेशान था, लेकिन आप लोग से मिलने के बाद ना सर वाह सर जैसे मुझे स्वर्ग में भी मजा नहीं आएगा जितना यहाँ पे मजा आ रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो यहाँ पर आना चाहते हैं, जिसके अंदर कुछ हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग, जिसके अंदर आप अपने आप में झांकिए कि मैंने किया क्या है और मैं कर क्या रहा हूँ। पहले जब तक झांकेंगे नहीं, सबसे पहली कमी अपने आप में देखिए, दूसरों में कमी निकालने से पहले अपने आप में देखिए ना। जिस इंसान को अपने आप पे विश्वास नहीं है वो दूसरे पे विश्वास कभी नहीं करेगा। तो अपने अगर आप पे विश्वास है, मेरे पे विश्वास था, मैं आज लमसम 6-7 महीने से लगा और मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन जाऊंगा और आज मैं आ गया सर। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा जो स्टॉक पर आना चाहते हैं वो ऐसा विश्वास रखें अपने ऊपर, अपने ऊपर ऐसा विश्वास भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ घमंड करो अपने ऊपर सबसे पहले, क्योंकि तुमने अगर कुछ उखाड़ा है लाइफ में तो तुमसे बढ़कर कोई है नहीं जिंदगी का। अगर तुम्हें देखकर तुम्हारे सिर्फ हर एक दिन, मतलब हर दिन हर एक कोई जीता है, और अगर तुम उसी दिन के अंदर कुछ ऐसा कर रहे हो जो इंसानी जिंदगी को बदल रहा है तो तुमने कुछ उखाड़ा है जरूर। तो अगर तुमने उखाड़ा और तुम्हारे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो तुम आराम से जो स्टॉक पर आ सकते हो। सुमित भाई ने दो आइडियाज बताई थी जो स्टॉक की, एक मैं अपनी भी बता देता हूँ, विशाल जादौन @jostocks.com, JADON@jostocks.com। इस आईडी पर आप जब भी मेल करोगे, कैसी भी कहानी होगी, कुछ भी होगा, आपको रिप्लाई आएगा। देख रहे हैं अब आप लोग का जो भी मन में अशंका, भोजपुरी में कहा जाता ना कि बड़ा हमके शंका बा कि सही होई कि ना होई, लेकिन ये शंका आप लोग खत्म कर डालिए। यह शंका जो भी है, अरे यार जोश टाल पे आने के बाद ना जिंदगी जोश से भर जाएगी, और फिर वही आप कहेंगे कि जर्रो मेरा गुजर कर चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे, खामोशियों की मौत गमारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग अगर वाकई चाहते हैं कि खनक छोड़ के जाना है तो जोश टाल पर आपको आना है। तो आप अपनी कहानी रखें, और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और आपको सर हमसे मिलकर कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। हमें तो मतलब अब क्या बताएं, देखो इनके साथ हमने खाना खाया है, इनके साथ हमने पूरी बातचीत करी है, सुबह आए थे, बैठे हुए थे, हमें लगा थे चलो आते रहते जो स्टॉक्स पे स्पीकर आते रहते हैं, हम मिलते रहते हैं और होता रहता है हमारा, हर स्पीकर से मिलते हैं, हर स्पीकर से हम मतलब जो स्टॉक में, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा होगा जो स्टॉक में बहुत सारे बड़े बड़े लोग काम करते हैं और बहुत अकड़ होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हम एकदम ही आराम से हर एक से वैसे ही बात करते हैं, मगर ऐसा बहुत कम होता है कि हमें भी मतलब स्पीकर भी हमसे उतनी ही आराम से बात करें, ऐसा बहुत कम होता है कि स्पीकर भी हमारे साथ उतनी ही मज़े से बात करे और हमें भी उतना ही ज़्यादा मज़ा आए, और हम चाहें कि स्पीकर ना जाए और रुके यहाँ पे, रुके हमसे और बातें करें और बातें करें और क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो वो जितेंद्र भाई के साथ लगा था हमें जो स्टॉक, तो देखो है ही जो स्टॉक ऑब्वियसली अपने आप में एक चीज़ है, मगर जो स्टॉक जो आज यहाँ तक पहुँचा है जैसे मैंने पहले कहा था, वो एक एक छोटे छोटे स्पीकर से बनकर पहुँचा है यहाँ पर। तो जब तक स्पीकर नहीं है तब तक जो स्टॉक नहीं है, कोई जो स्टॉक मतलब जब तक आप टॉक नहीं करोगे तब तक जो स्टॉक के बारे में कोई बात नहीं करेगा। चलिए भैया के साथ मुझे भी मिलकर बड़ा अच्छा लगा, अद्भुत अद्भुत अद्भुता अगर होता वो रवि किशन तक बाबू अद्भुत अद्भुता हो गया रे बाबू, तो जिंदगी में झांडबा फिर भी घमंडबा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस जोश टॉक के साथ, नमस्कार नमस्कार।